देखिए इस वीडियो में हम पढ़ेंगे स्ट्रिंग ऑपरेशन एंड कुछ मेथड्स जो कि हम यूज कर सकते हैं स्ट्रिंग के ऊपर बेसिकली स्ट्रिंग के साथ हम खेलने वाले हैं तो हमने ओपन कर लिया है कंसोल क्रोम में जाकर मैं बता चुका हूं आपको स्ट्रिंग को मैं डबल कोर्ट्स में लिख सकता हूं सिंगल कोट्स में लिख सकता हूं और लिख सकते हैं हम स्ट्रिंग को बैक टिक्स में तीन तरीके हैं मान लीजिए मेरी स्ट्रिंग में सिंगल कोट आ रहा है जैसे कि एक सेंटेंस है माई मॉम टोल्ड मी डू नॉट फॉरगेट टू ईट योर वेजिटेबल्स ठीक है ये एक सेंटेंस है आप देख रहे हो यहाँ पर ऑलरेडी इसमें क्या है डबल कोर्ट है ठीक है ऑलरेडी डबल कोर्ट्स है तो इस पूरे Tense को मैं कैसे करूं स्ट्रिंग ठीक है मान लीजिए मैंने ये लिखा ठीक माय मॉम मी और फिर यहाँ पे डबल कोर्स आ गया तो जावा स्क्रिप्ट समझेगा कि ये स्ट्रिंग हो गई है ठीक कोई दिक्कत नहीं है तो आपने ये क्या लिखा हुआ है ये तो बताओ समझो बात आप तो मैं आपको बता दूं अगर अंदर वाली स्ट्रिंग में डबल कोट्स हैं, तो आप वाली को है, वाली है, 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 तो बाहर वाली स्ट्रिंग को सिंगल कोर्ट्स में क्लोज कर दो ठीक है एक और तरीका अगर आपको सिंगल कोट चाहिए और बाहर भी सिंगल कोट चाहिए या फिर अंदर भी डबल कोट बाहर भी डबल कोट ठीक है तो बताता हूँ जैसे कि मैंने यहाँ पे मेरे को यहाँ पे क्या करना है डबल कोट्स लाने हैं मेरे को बाहर भी एंड अंदर तो है तो इसको मैं कर सकता हूं कैसे मैं इसको स्लैश लगा यहां पर भी स्लैश लगा दूंगा इसका मतलब है जावा स्क्रिप्ट को बताना कि देखिए सुनिए मेरी बात आप इस वाले कोट को इस वाले डबल कोट्स को आप स्ट्रिंग ट्रीट करिए ना कि स्टार्ट एंड

कि भाई सुनो मेरे पास ध्यान से कान लगा के वाला सिंगल कोड जो है ना ये स्ट्रिंग कैरेक्टर की ट्रीट करो अपना दिमाग मत लगाओ कि स्टार्ट है एंड है स्ट्रिंग है नहीं सिंगल कैरेक्टर है है ये ठीक बहुत ही बेहतरीन स्ट्रिंग की तरह ट्रीट करो है? है? भाई बचपन में हम पढ़ते थे कि भाई प्लस कर रहे हैं को, अच्छा यहाँ पे स्ट्रिंग को भी प्लस कर सकते हैं ठीक है माइनस तो क्या ही करोगे स्ट्रिंग को लेकिन हाँ स्ट्रिंग को आप प्लस कर सकते हैं इसको बोलते हैं स्ट्रिंग को जोड़ना या फिर स्ट्रिंग कॉन्टिनेशन जैसे मैंने यहाँ पे लिखा हेलो वेरिएबल ए इज इक्वल टू हेलो ठीक है भाई बहुत बढ़िया फिर मैंने लिखा वेरिएबल बी इज इक्वल टू देर ठीक है अब मेरे को एक स्ट्रिंग चाहिए जिसमें लिखा हो तो मैं लिख दूंगा ए प्लस बी हेलो दे आ गया बीच में स्पेस भी चाहिए तो भाई डाल दो ना परेशान क्या हो रहे हो बीच में स्पेस वाली स्ट्रिंग डाल दो एक हेलो आ गया यानी की स्ट्रिंग जोड़ रहे हैं हम कुछ नया नहीं कर रहे हैं ठीक है एक स्ट्रिंग ली प्लस दूसरी स्ट्रिंग जुड़ गई बहुत बढ़िया इसे बोलते हैं स्ट्रिंग कॉन्केटिनेशन मैं देखो अब देखना ध्यान से देखना टू प्लस वन किया मैंने क्या आया ट्वेंटी वन आया कोई नई बात नहीं है देखो क्या हो रहा है ये दो स्ट्रिंग आई है ये क्या है एक नंबर है ये समझ गया इसने ध्यान से सोचा ज्यादा भाई क्या कर रहा है ये शायद ना स्ट्रिंग कॉन्केटिनेशन करने की ट्राई कर रहा है

या माइनस कर सकते जैसे कि में हाँ दोनों में कर ये फ्लेक्सिबिलिटी दे रखी है चावस बहुत ही बढ़िया अब देखना मैंने लिखा यहाँ पे एक आपने क्या लिखा आपने अमेजोन खोला अमेजोन के ऐप आप खोली आपको जूते खरीदना है ठीक है जूते आपके फट गए हैं आपको जूते खरीदने नहीं तो आपने लिखा है यहाँ पे ग्रीटिंग्स आती है हेलो हेलो ठीक है और फिर आपका नाम आता है लिखा हुआ है सुंदर ठीक है राम ठीक है बहुत बढ़िया तो जितनी बार भी आप खोलोगे हेलो राम आएगा लिखा हुआ ठीक है बहुत बहुत अच्छी बात बात खुशी की ध्यान से मैं इस ग्रीटिंग, को, इस ग्रीटिंग को ऐसे भी लिख सकता हूँ अब देखो यहाँ पे स्ट्रिंग कॉन्केटिनेशन हो रही है ऑपरेशन हो रहा है मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ यहाँ पर यहाँ पर ना मैं एक वेरिएबल ले लू राम को एक वेरिएबल में स्टोर करा लू और हेलो जो ग्रीटिंग है उसमें उस, उस वेरिएबल का नाम दे दूं जैसे कि बताता तो तो हूं हेलो कस्टमर हेलो कस्टमर और इसका सिंटेक्स कुछ ऐसा है डॉलर के अंदर करली ब्रैकेट्स आएंगे ठीक है डॉलर देन करली ब्रैकेट अन कर्ली ब्रैकेट के अंदर वेरिएबल का नाम और ऐसी स्ट्रिंग को हमेशा 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 एनक्लोज करना है बैकटिक से ठीक है स्केप के नीचे जो होता है ठीक है बहुत ही बेहतरीन लेकिन अभी कस्टमर जो है वो क्या नहीं है डिफाइंड नहीं है तो आपका सुंदर नाम मैं डाल देता हूं वेरिएबल कस्टमर में क्या नाम था आपका राम नाम था ठीक है बहुत बढ़िया ठीक है. है अब चलाता हूं इसको तो ग्रीटिंग चल गया हेलो कस्टमर अब ग्रीटिंग की मैं अगर शक्ल देखू हेलो राम आ रहा है अब आप देखे ध्यान से अब अगर मैं कस्टमर नेम को चेंज कर दूंगा कस्टमर इज इक्वल टू अब अक्षित जी आए हैं ठीक है अक्षित जी आए हैं कस्टमर की वैल्यू अक्षित

सिंटेक्स क्या है आपको लिटरल यानी कि ये वेरिएबल का नाम या फिर कुछ एक्सप्रेशन आपको देनी हो यहाँ पर मैं एक्सप्रेशन भी दे सकता हूँ अगर मैं आपको बोलता हूँ हेलो कस्टमर यहाँ पे हेलो कस्टमर आ जाएगा टूडे इज ठीक है यहाँ पे क्या दे रहा हूँ मैं टेम्पलेट दिया मैंने ठीक है क्या है? एक सिंटेक्स है और यहाँ पे मैं कुछ भी लिख सकता हूँ कुछ भी लिख दीजिए पे Today is date, तो ये date भी आ गई है ठीक है यहाँ पे कुछ भी दे सकते हो एक एक्सप्रेशन दे सकते हो कि हेलो कस्टमर कुछ भी कैलकुलेशन टू जैसे कि कोई आपको एक्सप्रेशन लिखनी है कोई मतलब नहीं है कोई सेंस नहीं है लेकिन कुछ भी लिख सकता हूँ मैं फाइव प्लस सिक्स मल्टीप्लाई नाइन कुछ भी लिख दीजिए ठीक है आप ग्रीटिंग की शक्ल देखेंगे अब अगर हैलो अक्षित मतलब ये है कि आप यहाँ पर ना कुछ भी लिख सकते हैं कुछ भी हेलो अक्षित है पार्स फ्लोट चला सकते हैं ठीक है पार्स फ्लोट ठीक है और यहाँ पे आप कुछ भी कर सकते हैं कहने का मतलब ये है ठीक है अब ग्रीटिंग की शक्ल देखूंगा तो ये आ रहा है समझ रहे हो आ? कहने का मतलब क्या है कि आप कुछ भी लिख सकते हैं यहाँ पर जावा स्क्रिप्ट का कोड ठीक है एक्सप्रेशन लिटरल वैल्यू ठीक है लिटरल वैल्यू यानी कि कोई फिक्स्ड वैल्यू आएगी इस को चलाकर फिक्स वैल्यू जैसे कि फंक्शन है उसका रिटर्न आना जैसे कि हाँ पे आया है या फिर मैंने डेट लिखा था तो उससे भी फिक्स वैल्यू आ रही थी बहुत ही जब आप रिएक्ट वगैरह करोगे तो, तो बहुत ही ज्यादा यूज हो गए ठीक है हमने थोड़ा बहुत तो खेल लिया है स्ट्रिंग के साथ अब देखते हैं कुछ मेथड्स ठीक है आपकी आंखों के सामने इतने सारे दुनिया भर के मेथड्स लिखे हुए हैं ये हम अब पढ़ने जा रहे हैं सबसे पहले देखते हैं लेंथ रिट्रीव्स द लेंथ ऑफ अ स्ट्रिंग कोई रॉकेट साइंस नहीं है मान लेते हैं वार ए इज इक्वल टू कुछ भी स्ट्रिंग ले लेते हैं हेलो लिखते हैं हेलो देयर हाउ आर यू ठीक है तो ये क्या है ए वेरिएबल का नाम है तो मैं ए डॉट लेंथ करके ए डॉट करके इसकी लेंथ निकाल सकता हूँ ठीक है इस पूरी स्ट्रिंग की लेंथ निकाल सकता हूँ बहुत अच्छी बात है। दूसरा है टू अपर केस तो ए डॉट टू अपर केस किया मैंने ठीक है फिर इसको किया ठीक है इसको करेंगे तभी ये चलेगा यानी कि ब्रैकेट लगाएंगे तो इसने रिटर्न किया हेलो ठीक है अब मैं आपको बता दू एक चीज अगर मैं ए की शक्ल देखूंगा तो ए तो अभी भी ऐसे ही है तो इसका क्या मतलब है ए डॉट टू अपर केस करने से एक नई स्ट्रिंग दी है उसने सेम स्ट्रिंग को चेंज नहीं किया है समझ बात को क्योंकि स्ट्रिंग्स आर इम्यूटेबल इन जावा स्क्रिप्ट यानी कि उसको आप चेंज नहीं कर सकते हैं ठीक है अगर मैं आपको बोलता हूं कि भाई इस एच को एम कर दो तो आप नहीं कर पाएंगे आपको नई स्ट्रिंग बनानी पड़ेगी ठीक है सेम स्ट्रिंग में आप चेंज नहीं कर सकते हाँ वेरिएबल में फिर से आपको रख सकते हैं जैसे कि फिर से बताता हूँ देखो ए डॉट टू अपर केस किया आपने ठीक है ए डॉट टू अपर केस किया ठीक है हो हो जाएगा ठीक है हो गया है है गया हेलो देयर हाउ आर यू लेकिन A की शक्ल अभी भी ऐसी है। तो मैं कर सकता हूँ ए डॉट टू अपर केस का जो आंसर है वापस A में पटक सकता हूं। अब ए की शक्ल देखूंगा तो हो गई है अपर केस में कन्वर्ट हो गया समझ रहो? तो ये जो रहेरी स्ट्रिंग यहाँ पर थी ठीक है अपर केस में कन्वर्ट करने के बाद जो रिटर्न हो रही थी वो वापस से मैंने ए के अंदर ही डाल दी ए की शक्ल ही चेंज करती है आप अगर अब देखें यहाँ पे मैंने बोला कि भाई टू अपर केस में क्या लगाने हैं ब्रैकेट्स लगाने हैं ठीक है, है. तभी कॉल होगा ये ठीक है, है? डॉट लगा कर रहे हैं. लेकिन जब मैं लेंथ निकाल रहा था तो यहाँ पे मैंने लगाई नहीं ब्रैकेट्स ठीक है क्यों नहीं लगाई क्योंकि लेंथ जो है ना वो प्रोपर्टी है

तो स्टार्टिंग वाला और एंडिंग वाला एम्प्टी स्पेस हट जाएगा ट्रिम करने से ठीक है ऑब्वियसली सेम स्ट्रिंग एज इट इज रहेगी तो मैं वापस से या तो नया वेरिएबल ले, ले लेता हूं var b a.string a.trim ठीक है ताकि b हमारी सुंदर हो जाए या फिर वापस से क्या कर लेता हूं a में ही पटक देता हूं न्यू स्ट्रिंग ताकि ए ही चेंज हो जाए आपको याद होगा मैं पार्स इंट जब या फिर पार्स फ्लोट जब पढ़ा रहा था आपको तो यहाँ पे मैं अगर टू लिखता हूँ स्ट्रिंग में तो इंटीजर या फिर नंबर टू आ जाता है यहाँ पे अगर मैं स्पेस भी देता हूं तब भी टू ही आएगा क्योंकि ये इसको क्लीन करता है ठीक है इसको ट्रिम करता है बिफोर कन्वर्टिंग दिस स्ट्रिंग टू अवर नंबर ठीक है ट्रिम हो गया है बहुत अच्छी बात है ना बहुत ही बढ़िया बात अब स्प्लिट स्प्लिट देखिए एक ही शक्ल क्या there, है फिलहाल तेरा ठीक है

क्या आ गई है एक लिस्ट आ गई है कंटेनिंग कंटेनिंग टू पार्ट ठीक है टू पार्ट कॉमा से पहले और कॉमा के बाद वाला ठीक है यानी स्प्लिट तोड़ देता है स्ट्रिंग को ठीक है अब देखते हैं एक ही शक्ल ना फिर से चेंज कर लेते हैं हाउ आर यू डूइंग टूडे और बल्कि एक कॉमा चलो यहाँ ले, ले लेते हैं बीच में भी लगा देते हैं अब फिर से मैं करता हूँ वार बी इज एगल टू इट ऑट अब देखो दो कोमा है दो कोमा है अब मैं बी की शक्ल देखूंगा अगर तो देख रहा हूं तीन हिस्सों में टूट गया ठीक है हाई देयर हाउ आर यू डूइंग ठीक है कोई नहीं बात नहीं है क्यूँकी हम कंसोल यूज कर रहे हैं तो ये बता भी रहा है देखो लिस्ट है ये इसने हमें दिखा दिया है सुंदर तरह से दिखा पा रहा है 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 हमें कि देखिए लिस्ट ठीक उसमें तीन है। जीरोथ इंडेक्स पे वन इंडेक्स पे हाउ आर है एंड सेकेंड इंडेक्स पे यू डूइंग है ठीक है और अगर मैं एक कोई लेना चाहता हूं इसमें से इस लिस्ट में से जैसे कि मुझे फर्स्ट चाहिए हाई देर चाहिए तो बी जीरो करके हाई देर आ जाएगा कोई नहीं बात नहीं है अब इस पर क्योंकि ये स्ट्रिंग है तो इसपे भी मैं मल्टीपल मेथड

ए डॉट इंडेक्स ऑफ पी करते हैं P. क्या गया? Two आ गया। कि भाई पी का इंडेक्स क्या है इस string में में पे क्या है v. दूसरे, I. तीसरे, P. ठीक है है दूसरे तीसरे ठीक ठीक पहला पहला दूसरा दूसरा तीसरा Obviously, मैं पहला, दूसरा, तीसरा मैं बोल रहा लेकिन की भाषा क्योंकि स्टार्टिंग जो होती है वो जीरो से स्टार्ट होती है जावा के अंदर जैसे ठीक है भाई लेकिन अगर मेरा नाम विपुल ना होके विपुप होता ठीक है दो पीओ

बहुत अच्छी बात है खुशी की बात है भाई लेंथ पढ़ लिया है टॉपर केस लोअर केस ट्रिम पढ़ लिया है स्प्लिट पढ़ लिया है, इंडेक्स पढ़ लिया है रिप्लेस देखता हूँ अच्छा एक और बात अगर मैं ए की शक्ल चेंज कर देता हूँ हाई देयर कर देता हूँ थोड़ी देर के लिए हाई देयर ठीक है अच्छा अब मैं अगर ए डॉट इंडेक्स ऑफ करता हूँ देयर का तो भी आ जाएगा देख रहे होर इंडेक्स क्या गया थ्री आ गया कैसे जीरो पे क्या है वन रखा हुआ है वन पे क्या है आई है टू पे क्या है स्पेस है देयर देयर का first character. There का फर्स्ट फर्स्ट पे पे है third index पे है है थर्ड थर्ड इंडेक्स तो आंसर आंसर आ आ गया आ गया तीन बहुत अच्छी बात है. हम क्या पढ़ने जा रहे थे अभी रिप्लेस पढ़ने जा रहे थे तो ए की शक्ल क्या है हाई देयर मेरे को हाई अच्छा नहीं लग रहा मेरे को हेलो करना है यहाँ पे ठीक है ए डॉट रिप्लेस ए डॉट रिप्लेस हाई को रिप्लेस कर दीजिए ठीक है कैपिटल ऐसी लिख है मैंने क्योंकि वहाँ पे कैपिटल ही हेलो से ठीक है

हिस्सा चाहिए इस स्ट्रिंग का एक हिस्सा चाहिए ठीक है हिस्सा लेना है ना तुम्हें तो ठीक है तो देखो मेरे को निकालना है मान लो देर निकालना है इसमें से ठीक है तो इसको दो देने पड़ेंगे एक तो स्टार्टिंग इंडेक्स एक एंडिंग इंडेक्स है ना तो देर का स्टार्टिंग इंडेक्स क्या है जीरो वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स ठीक है सिक्स लिख दिया मैंने यहाँ पे एंडिंग इंडेक्स क्या हो जीरो वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन ठीक है टेन अगर मैं यहाँ पे टेन लिखता हूं तो देखो टी एच ई आ रहा है तो इसलिए मेरे को क्या लिखना पड़ेगा यहाँ पे इलेवन लिखना पड़ेगा क्यों क्योंकि जो एंडिंग इंडेक्स है वो एक्सक्लूसिव है ठीक है स्टार्ट क्या है इंक्लूसिव है एंड क्या है एक्सक्लूसिव है यानी कि अगर आप यहाँ पे ग्यारह लिखोगे तो उसका मतलब क्या है छह से दस तक के एलिमेंट्स उठा के लाओ ये हो गया है सब स्ट्री अब ए डॉट स्लाइस स्लाइस का मतलब क्या होता है हिंदी में टुकड़ा सेम चीज है सब स्ट्रिंग भी एंड स्लाइस भी अगर आप यहाँ पे लिखते हैं यहाँ पे सिक्स को इलेवन तो देखो सेम ही आ रहा है तो आप कह रहे हो कि भाई डिफरेंस क्या है फिर सब स्ट्रिंग एंड स्लाइस में मैं आपको बताता हूँ हिंदी में ठीक है भाई अब ध्यान से देखेगा एक ही शक्ल क्या है है हेलो वर्ल्ड है अगर मैं ना अगर ध्यान से देखिएगा डिफरेंस यही बताऊंगा सबस्ट्रिंग एंड स्लाइस में अगर मैं यहाँ पे ए डॉट सब स्ट्रिंग सिक्स लिखता हूं तो क्या क्या दे आ गया इसका मतलब हो जाएगा आपने अगर पहला नंबर दिया है ना पहला आर्ग्यूमेंट दिया है तो उसका मतलब यह है कि देखिए आप स्टार्टिंग तो दे रहे हो एंड नहीं दे रहे हो इसका मतलब क्या है मैं पूरी की पूरी एंड तक रिटर्न कराऊंगा स्ट्रिंग को ठीक है उसी तरह से ए डॉट स्लाइस किया आपने ठीक है और आपने स्टार्ट इंडेक्स तो दे दिया एंड इंडेक्स नहीं दिया इसका मतलब क्या है कि भाई स्टार्ट से लेकर यानी कि उस इंडेक्स से लेकर एंड तक आप दे रहे हैं रहे हो सब को ठीक है अब देखिए डिफरेंस यहाँ पर आता है सब स्ट्रिंग एंड स्लाइस में जब मैं यहाँ पे नेगेटिव देता हूँ ठीक है ए डॉट स्लाइस ऑफ मान लेते हैं माइनस सिक्स दिया मैंने ठीक है माइनस सिक्स दिया तो देखो देर आ गया यहाँ पे ठीक है बताऊंगा मतलब क्या है ए डॉट लेकिन अब मैंने ए डॉट सब किया माइनस सिक्स को हेलो देर देखिए अगर मैं सब स्ट्रिंग में देता हूं नेगेटिव तो वो नहीं समझेगा माइनस सिक्स को वो जीरो मनाएगा पहले जीरो ही ट्रीट कर लेगा ठीक है और जो जीरो का आंसर आना था यानी कि स्टार्टिंग से लेकर एंड पूरी की पूरी स्ट्रिंग दे देगा उठा लेकिन स्लाइस थोड़ा समझदार है माइनस सिक्स का मतलब है पीछे से छठा एलिमेंट से स्टार्ट करना है ध्यान से देखना पीछे से छठा एलिमेंट पहला अब यहाँ पे जीरो का मतलब नहीं ऐसे सुनना ठीक है ना पहला दूसरा तीसरा चौथा पांचवा छठा ठीक है इसीलिए यहाँ पे अगर देखो तो स्पेस भी आया ठीक है तो पीछे से ऐसे ही जीरो से स्टार्ट दे कर देना ठीक है ना जी, अगर जीरो से स्टार्ट कर दोगे तो वो भी इंक्लूड हो जाएगा ऐसे देखना कि अगर माइनस लिखा हुआ है तो मुझे देखना है अगर माइनस पांच लिखा हुआ है तो मुझे देखना है पीछे से पांचवा एलिमेंट पांचवा ठीक है यानी कि पहला दूसरा तीसरा चौथा पांचवा यानी कि टी से स्टार्ट होगा ठीक है ऐसे मैं याद करता हूँ ठीक है बहुत अच्छी बात ठीक है बहुत ही खूबसूरत लेंथ टू अपर के

वहाँ पर ब्रैकेट्स लगाने की जरूरत नहीं है टू कॉल लेंथ ठीक है बाकी जैसा भी क्या है मेथड्स हैं जैसे कि टू अपर केस हो गया टू लोअर केस हो गया सबस्ट्रिंग स्प्लिट स्लाइस रिप्लेस ठीक है ये सब हमने पढ़ा इंडेक्स ऑफ देखा लास्ट इंडेक्स ऑफ वगैरह सब देखे ठीक है बहुत अच्छी बात है नेक्स्ट वीडियो की लिंक आपको इस कार्ड पर मिल जाएगी